नमस्ते, मेरा नाम राजगोपाल होता और एक और मैं नया रिएक्शन वीडियो लेकर आता था। आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहा हूँ उस वीडियो का नाम है गॉट कॉट स्मोकिंग स्टोरी टाइम। ये ट्रिगर्ड इंसान का एक और नया स्टोरी टाइम का वीडियो आया है, तो देखते हैं कि क्या स्टोरी है और किस टाइम पे है। तो रिएक्शन बिना किसी देरी के चालू करते हैं। उससे पहले ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसका वीडियो देखो फिर मेरा देखो, और चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और उसको भी करो। ओके, तो बिना किसी देरी के रिएक्शन चालू करते हेडफोन्स। तो रिएक्शन 3, 2, 1 चालू। तो ये बात है उस जमाने की। तो मैंने सोचा हमारा स्टोरी टाइम वाला जो इंट्रो है वो काफी ज्यादा पुराना हो चुका है और रीमेक का जमाना है, तो क्यों ना हम भी एक रीमेक बनाएं। आज मंगलवार, आज संडे है वैसे। टाइम का वार है और मुझे गिटार बजाना भी नहीं आता। तो पिछली स्टोरी टाइम वीडियो की तरह इस वीडियो के भी मेन कैरेक्टर जो है वो है मेरे पिताजी मिस्टर भोलू। अब एक जो ग्रोइंग टीनेजर्स होते हैं ना, उनमें एक चुल होती है कि यार उनको हर एक चीज ट्राई करनी होती है। सैवेज बनने के लिए, थग बनने के लिए सही, बट दे आर लाइक। तो भोलू जो है वो भी इस फेज में ही है। सिक्स क्लास का भोलू हर एक चीज ट्राई करना चाहता है, पीयर प्रेशर कह लो, बैड इन्फ्लुएंस के चलते कह लो, लेकिन अब उसको भी भाई सैवेज बनना है। अब मेरे दादाजी जो थे वो एयरफोर्स में थे एंड उनकी पोस्टिंग आसाम में हो रखी थी, इसीलिए मेरे पापा जलंधर में अपनी नानी के घर पे रहते थे। एंड पापा के मामा जी जो थे उनके बेटे का नाम था काड़ा। अब उसने पापा ए की ना होया, तो पापा बोले हाँ ए ही ना सी होता। पापा सीरियसली काड़ा ये कैसा नाम हुआ? प्यार के नाम है काड़े, क्योंकि वो सेम एज के थे, साथ में सेम स्कूल जाते थे, साथ में खेला करते थे, सो दे वर लाइक बेस्ट फ्रेंड। पंजाबी है क्या? पता नहीं। अब पापा बताते हैं कि उनके घर के पास हर सैटरडे को कुश्ती हुआ करती थी, जहाँ पे दो लोग एक दूसरे से लड़ते थे एंड स्पेक्टेटर्स जो थे जीतने वाले को खुश होके पैसे दे देते थे। तो इन दोनों ने प्लान बनाया, क्योंकि देवर लाइक हमें पैसे चाहिए, तो इनका प्लान सुनो। मिस्टर काड़ा जो थे वो हाइट में थोड़े से छोटे थे एंड थोड़े से कमज़ोर से थे, एंड मिस्टर भोलू जो थे मेरे पापा वो काफ़ी लंबे थे हाइट में एंड काफ़ी चौड़े थे। तो पापा का प्लान था कि काड़े हम दोनों वहाँ पे जाके एक दूसरे से कुश्ती करेंगे एंड मैं ना तुझसे हार जाऊँगा। तो होगा क्या, लोग हैरान हो जाएंगे कि अरे ये इस छोटे से कमज़ोर से इंसान ने इतने लंबे अच्छे खासे हट्टे कट्टे इंसान को हरा दिया है, तो शायद खुशी के मारे हमें ज़्यादा पैसे दे देंगे और फिर उस पैसे की मस्त पार्टी करेंगे। मतलब तुम देख रहे हो छठी क्लास की एज में भी इतने तेज, बहुत तेज हो रहा है। एनीवेज, तो ये दोनों वहां पे गए एंड एज पर द प्लान इन्होंने कुश्ती करी एंड मिस्टर काड़ा जो थे उन्होंने पापा को पटक के हरा दिया। अब सारे हैरान तो हुए कि अरे ये इस छोटी सी हाइट वाले ने इतने लंबे इंसान को हरा दिया, लेकिन पैसे कुछ नहीं दिए, बदले में इनको मिले वहां से सिर्फ 25 पैसे। इनके तो सपने चकनाचूर हो गए, ये तो वहां पे सोच रहे पैसे वैसे कमा के पार्टी करेंगे, 25 पैसे में क्या मिलने वाला था। अब आई डोंट नो, हो सकता है उस वक्त के हिसाब से 25 पैसे भी शायद ठीक ठाक अमाउंट होती हो, लेकिन यार सिर्फ 25 पैसे, आज शॉक लगा है शॉक। एनीवेज, उसके बाद मिस्टर भोलू और मिस्टर काड़ा अपना सा मुंह लेके रवाना हो लिए वापस घर के टूवर्ड्स एंड बहुत ही उदास थे दोनों, और रास्ते में बस यही सोच रहे थे कि यार 25 पैसे मिले हैं सिर्फ, करेंगे क्या इस 25 पैसे में, पार्टी तो अब होने से रही। एंड तभी इनको रास्ते में दिखती है चाय सुट्टे की एक टपरी, तो चलो इस टपरी पे ही चलते हैं, देखते हैं 25 पैसे में जो भी मिलता होगा वही खरीद लेंगे यहाँ से। तो ये गए और दुकानदार को बोला कि भाई 25 पैसे में बता दे क्या मिलता है। तो कह रहा है, सोचने के बाद बोलता है भाई 15 पैसे का सुट्टा मिलता है, 15 पैसे की एक सिगरेट मिलती है। तो अब इन्होंने सोचा यार 25 पैसे में वैसे भी कुछ और तो मिलना है ही नहीं, तो एक काम करते हैं ये सुट्टा ही खरीद लेते हैं। तो इन्होंने वो सिगरेट ली,
इसलिए नहीं कि इनको पीनी थी, इसलिए ताकि ये उस सिगरेट को अपने कान के ऊपर रख के फैशन दिखा सके, शो ऑफ करने के लिए अपने कान के ऊपर रखने के लिए। मेरे पापा मामा के घर पे जहाँ पे रहते थे, उन्होंने बताया कि सामने जो है कारपेंटर वगैरह जो कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करते थे, वो लोग ना कान के ऊपर ऐसा पेंसिल लगा के, कभी सुट्टा लगा के, कुछ भी ऐसा घूमते रहते थे। और मेरे पापा को वो चीज बड़ी फैसिनेटिंग लगती थी, बस पता नहीं कैसे किसी को ये चीज फैसिनेटिंग लग सकती है, पर पापा को वो चीज ऐसा लगता था कि भाई बड़ा शो ऑफ, ऐसा शो ऑफ करने के लिए ना बड़ी सही चीज है ऐसा कान के ऊपर लगा के घूमने के लिए। तो उन्होंने सुट्टा खरीदा और उसको उठा के अपने कान के ऊपर रख लिया, और ऐसा भाई पूरा सैवेज ऐसा थग वाली फीलिंग ले रहा है, ओ याद रखो मेरा कान के ऊपर मैंने सिगरेट रखी हुई है, मैं किसी फिल्म स्टार से कम हूं क्या? कुछ ऐसा सही उन्होंने सोचा होगा, और अपनी थग लाइफ दिखा के ये लोग वहां से निकल गए। निकल तो गए, लेकिन जो शो ऑफ के लिए इन्होंने सिगरेट अपने कान के ऊपर रखी थी ना, ये उसको उतारना भूल गए। अब मस्त टहलते टहलते आधे पौने घंटे के बाद ये दोनों काड़ा एंड मिस्टर भोलू जो है अपने घर के पास पहुंचते हैं, जहां पे इनके कोई बड़े भैया जिनको हम बुलाते हैं मिस्टर कुकी। तो मिस्टर कुकी जो है वो इनके बड़े भाई। क्या नाम है कुकी थे, एंड ये वहीं पे उनको मिल गए। तो बात करते करते मिस्टर कुकी ने पापा के कान के ऊपर जो सिगरेट लगी होगी वो उन्होंने देख ली, तो उन्होंने कहा ओए बोलू है तेरे कान पे की लगया है? तो मेरे पापा कहते ओ अच्छा, उनको एकदम से रियलाइज हुआ कि सिगरेट लगी हुई है उनके कान पे। तो उन्होंने क्या करा, ये नहीं क्या डर गए या कुछ भी, सिगरेट उतार के कुकी से पूछते हैं लो पी लो, लगा के देखिए ट्राई करके, कहते लो उनको ऑफर कर रहे हैं लो आप पी लो। तो कुकी वाज लाइक अरे तेरे पास सिगरेट कहां से आई, मतलब अब तुम सोचो एक छठी क्लास के बच्चे के हाथ में तुम सिगरेट देखोगे तो तुम तो शॉक हो ही जाओगे ना। अब कुकी ने अपने छोटे भाई के हाथ में छठी क्लास के बच्चे के हाथ में सिगरेट देगी वो तो दंग रह गया। कुकी वाज लाइक ओ बोलू तेरे को सिगरेट के तो आई, ऐसा ही कुछ पंजाबी में बोला होगा। तो बोलू भाई वो ऐसे ही बोलू नाम के बोलू नहीं थे, वो सच में बोलू थे, वो कह रहे ओ ऐसी 25 पैसे सानू जेड़े वो कुश्ती तो मिले सी, तो फिर सानू टपरी तो है 15 पैसे दी सिगरेट चक ली और स्वैग दिखाने ली, मतलब उन्होंने बोला कि हमने ये सिगरेट उठा ली ऐसे ही बस सैवेजरी ऐसे थग लाइफ दिखाने के लिए। अब तुम सोचो कोई भी इस बात पे बिलीव करेगा, कोई नहीं करेगा ना ऑब्वियसली। तो कुकी ने भी नहीं करा, और कुकी बींग द बड़े भाई उस जमाने में तो भाई कोई सोचता पूछता भी नहीं था, पता नहीं बिना बात के बच्चों को पीटना भी शुरू कर देते थे। तो पापा ने बताया कि पहले तो कुकी ने उनको मारा, उसके बाद घर गए तो उनके मामा जी ने उनको मारा, रात को बड़े मामा जी आए तो बड़े मामा जी ने भी मारा। कह रहे उस दिन इतनी पिटाई पड़ी सिगरेट पीने की वजह से, ना पीने की वजह से, एक्चुअली सिगरेट का पी उन्होंने, वो तो सिर्फ ऐसा दिखा रहे थे शो ऑफ कर रहे थे। फिर कानों पे सुट्टे लगा के घुमा करते थे। एक बार लगाया था सुट्टा तो इतनी मार खाई थी, उसके बाद कानों को हाथ लगाया, कभी भी नहीं अपने करा ऐसा कुछ। पक्की बात है? एक सेकंड ये इधर घूमना, ये कान पे क्या रखा हुआ है? ये तो पेन है। तो पेन किस रखा हुआ है कान पे? सुट्टे लगाने से मार पड़ती है, पेन लगाने से। एंड आई होप आप में से जो लोग देख रहे हैं जो एक्चुअली सिगरेट स्मोक करते हैं, या फिर आपकी फैमिली में अगर कोई स्मोक करता है, सो यू ऑल्सो हैव द स्ट्रेंथ टू गेट रिड ऑफ दिस वेरी बैड हैबिट। सिगरेट ना पीने से अपने आप को खतरनाक बीमारी से बचा सकते हैं। हमने वीडियो का स्टार्ट जो है वो गिटार के साथ किया था, तो अभी एंड भी वैसे करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। मुझे पता है मुझे गिटार बजाना नहीं आता, फिर भी हूँ मैं बजाता क्योंकि मेरी मर्जी। वीडियो को लाइक करना, लाइक कर तो मौत। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। या थैंक्स फॉर वॉचिंग। अनसब्सक्राइब मत कर देना, सीख रहा हूँ, सीख जाऊंगा कभी ना कभी, तो सीख जाऊंगा। सेम हियर। भाई अच्छा वीडियो तो उसके पापा का स्टोरी बहुत पसंद आया, मैं भी जानूंगा अपने पापा से। तो एज यूजुअल रिएक्शन पसंद आए तो लाइक कर, नए तो एज यूजुअल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ और कमेंट करना और फॉरवर्ड कर वीडियो को। भाई ये मेरे को सीरियसली भाई वो क्लिप बहुत पसंद आया, वीडियो क्लिप फॉरवर्ड कर। तो ऐसे ही फिर मिलते किसी और नया रिएक्शन वीडियो के लिए। सॉरी, तो तब तक ले टाटा बाय बाय।